नमस्कार, स्वागत है आपका आर्य न्यूज में और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। उत्तराखंड के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ, जहां पर कोविड महामारी के कारण इस साल चार धाम यात्रा देर से शुरू होने के बाद भी यात्रियों ने पिछले साल का रिकॉर्ड तोड़ा है और मात्र 43 दिनों के यात्रा में 3.48 लाख से ज्यादा तीर्थ यात्रियों ने अब तक बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के दर्शन कर चुके हैं। बीते साल 1 जुलाई से शुरू हुई चार धाम यात्रा 5 महीने चल रही थी। इसमें लगभग 3.22 लाख तीर्थ यात्रियों ने दर्शन किए थे और इस साल मई महीने में चार धाम के कपाट खुल गए हैं, लेकिन कोविड संक्रमण की रोकथाम के लिए चार धामों में पुख्ता इंतजाम ना होने के कारण हाईकोर्ट ने यात्रा संचालन पर रोक लगाई थी। प्रदेश सरकार ने फिर से चार धाम यात्रा खोलने के लिए प्रार्थना पत्र देकर कोर्ट से विशेष सुनवाई का आग्रह भी किया था, जिस पर कोर्ट ने रोक टोक हटा दी है और समिति संख्या के आधार पर चार धाम यात्रा शुरू करने के आदेश भी दे दिए थे। 18 सितंबर को ही चार धाम की यात्रा शुरू हुई, लेकिन धामों में दर्शन के लिए सीमित संख्या में यात्रियों को बिना दर्शन किए वापस लौटना पड़ रहा है और सरकार के आग्रह पर कोर्ट ने समिति संख्या को घटाने के भी आदेश दिए हैं, जिसमें चार धाम यात्रा में दर्शन करने वाले की रफ्तार बढ़ी है। वहीं 43 दिन में 3.48 लाख यात्री दर्शन कर चुके हैं, जबकि पिछले साल 2020 में 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा से कपाट बंद होने तक चार धाम में लगभग 3.22 लाख यात्रियों ने दर्शन किए थे। देवस्थानम प्रबंधन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और रविनाथ रमन का यह भी कहना है कि चार धाम के दर्शन करने के लिए तीर्थ यात्रियों में काफी उत्साह है, जिससे पिछले साल की तुलना में अब तक दर्शन कर ने वाले यात्रियों की संख्या में ज्यादा है। बीते दिनों उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद आई आपदा में हुए नुकसान की रिपोर्ट शासन को मिलने लगी है। अभी तक 10 से 12 विभागों की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर 900 करोड़ रुपए की नुकसान का प्राथमिक आकलन किया गया है और 232 से ज्यादा परिसंपत्तियों को नुकसान पहुंचा था और क्षति का आंकड़ा और भी बढ़ने के आसार हैं। वहीं आपदा में मरने वाले लोगों का आंकड़ा 73 पहुंच गया है और आपदा में सड़कों, पुलों, आवासीय और व्यावसायिक भवनों और फसलों का भारी नुकसान पहुंचा है। इसके साथ ही पशु हानि भी हुई है, ये भी जानकारी सामने आई है और कई स्कूल भवन और अन्य सरकारी भवन भी इसकी जद में आए हुए हैं। वहीं सचिवालय स्थित राज्य परिचालन केंद्र के अनुसार आपदा में हुए नुकसान का जायजा लेने के लिए जिलों में विभागवार रिपोर्ट मांगी जा रही थी और जिसके आधार पर ही क्षति का आकलन किया जा रहा है। अभी तक प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार नैनीताल जिले में 74 भवनों को क्षति पहुंची है और 19 भवन पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुके हैं, जबकि 55 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और अल्मोड़ा में 40 भवनों को नुकसान पहुंचा है। इसमें 7 भवन पूरी तरह से ध्वस्त हो गए हैं, जबकि 33 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और चंपावत में 2 भवनों को आंशिक क्षति पहुंची है और उधम सिंह नगर में 4 भवन पूर्ण जो रूप से ही ध्वस्त हो चुके हैं और जबकि 16 को आंशिक क्षति पहुंची है। इसके अलावा 74 झोपड़ियों के साथ 7 गौशालाएं भी बाढ़ में बह गई थी और जिले में अभी तक 78 बड़े पशुओं और 30 छोटे पशुओं और 31,000 से ज्यादा कुकुड़ के मरने की रिपोर्ट प्राप्त हुई है। चमोली में 15 भवनों को क्षति पहुंची है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी। राज्य सचिवालय में शाम 5 बजे ही इस बैठक होने वाली है और कई विभागों में ये प्रस्ताव पर चर्चा भी होगी और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय बढ़ोतरी पर कैबिनेट की मुहर लग सकती है। पिछली कैबिनेट बैठक में भी मुख्यमंत्री को इसलिए अधिकृत किया गया था कि गुरुवार को बैठक में कैबिनेट इस प्रस्ताव पर निर्णय ले सकती है। इसके अलावा केंद्र सरकार की स्वास्थ्य योजना की तर्ज पर राज्य कर्मचारियों के लिए अटल आयुष्मान योजना का लाभ देने का भी प्रस्ताव भी कैबिनेट में आएगा और कर्मचारियों को पदोन्नति की ढील दिए जाने का भी प्रस्ताव जो है वो कैबिनेट में आ सकता है। साथ ही नर्सिंग भर्ती नियमावली और संशोधन समेत अन्य विभागों में जुड़ी कर्मचारी नियमावली के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट में फैसला आ सकता है। वहीं इससे पहले हुई कैबिनेट बैठक में 22,000 अपनल कर्मचारियों को भी कई आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय बढ़ाया जाए और 7,791 ग्राम प्रधानों का भी मानदेय 1,500 रुपए प्रति माह के बढ़ाकर 3,500 रुपए तक कर दिया जाए।
गया था। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक कई विभागों के 29 प्रस्तावों पर चर्चा हुई थी, जिनमें से 26 प्रस्तावों पर मुहर लगी और 3 प्रस्ताव स्थगित हुए थे। मंत्रिमंडल के माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए 3 लाख टैबलेट खरीदने की मंजूरी दी थी और इसके लिए भी सचिव विद्यालय शिक्षा की अध्यक्षता में एक प्रोक्योरमेंट कमेटी बनाई गई थी। और दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में भी छात्रों को राज्य से सेवा करने का ब्रांड भी देने की, सस्ती पढ़ाई करने की भी सुविधा मिलेगी। और प्रदेश मंत्रिमंडल ने इस पर भी संतान्वित निर्णय लिया है और स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग को इस पर विस्तृत प्रस्ताव बनाने के भी निर्देश दे दिए। उत्तराखंड में अब कोरोना संक्रमण कम हो गया है और बीते 24 घंटे में प्रदेश में 17 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। वहीं एक भी मरीज की मौत नहीं हुई है, जबकि 18 मरीजों को ठीक होने के बाद घर भेजा गया है। सक्रिय मरीजों की संख्या घटकर 150 हो गई है, जबकि मंगलवार को प्रदेश में 156 सक्रिय मरीज थे। और स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी किए गए बुलेटिन के अनुसार बुधवार को 1000 आपको बता दें कि 1000 कई सैंपलों की भी जांच की गई थी और जिसकी रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई थी। वहीं 7 जिलों बागेश्वर, चंपावत, नैनीताल, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग, टिहरी, उधम सिंह नगर में भी संक्रमित मरीज नहीं मिले हैं। वहीं अल्मोड़ा, हरिद्वार और पौड़ी में भी 1-1, चमोली में 3 और देहरादून में 9, उत्तरकाशी में 2 संक्रमित मिले हैं। प्रदेश में अब तक कोरोना के कुल संक्रमितों की संख्या 3,40,000 के पार हो गई है। इनमें से 3,30,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं और प्रदेश में कोरोना के चलते अब तक कुल 7,399 लोगों की जान भी जा चुकी है। प्रदेश की रिकवरी दर की बात करें तो वहां पे 96.2% है और 0.13% दर्ज की गई है। स्वास्थ्य मंत्री घनसिंह रावत ने भी जानकारी सामने रखी कि 15 दिसंबर तक ही प्रदेश में सभी को कोविड वैक्सीन की दूसरी डोज लगाने का लक्ष्य पूरा कर लिया जाएगा। उत्तराखंड में बागेश्वर में मुनस्यारी जा रहे पर्यटकों का वाहन भीषण हादसे का शिकार हो गया। हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई है। राहत और बचाव की टीम मौके पर पहुंची, जिनके द्वारा ही राहत और बचाव कार्य किया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बुधवार को 2 वाहनों की आपस में टक्कर हो गई थी, जिसमें 5 बंगाली पर्यटकों की मौत हो गई और उक्त पर्यटक बागेश्वर से मुनस्यारी जा रहे थे। और वहीं इस हादसे में कईयों घायल जो होने की सूचना भी मिली है, कई लोग इसमें घायल भी हो गए हैं। वहीं घायलों को कपकोट अस्पताल में भी भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि 2 वाहनों की आपस में जोरदार टक्कर हो गई थी और एक वाहन सड़क से नीचे खाई में जा गिरा, जिससे ये दर्दनाक हादसा हुआ है। वाहन में 12 लोग सवार थे, जिसमें से 7 लोग घायल हो गए हैं, वहीं 5 लोगों की मौत हो गई है। वहीं आपको ये भी बता दें कि 2 लोग गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। विधायक बलवंत सिंह भुरयाल ने भी घटना स्थल पर का दौरा किया है और स्वास्थ्य केंद्र जाकर घायलों का हालचाल भी जाना है। उप जिलाधिकारी कपकोट पारितोष वर्मा और तहसीलदार ने भी घटना स्थल पर दौरा किया हुआ है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा पर तंज किया है और वो बेरोजगार हो गए थे और भाजपा में उन्हें रोजगार मिल गया है। उन्होंने कहा कि बहुगुणा का दर्द राज्यसभा था और लेकिन बीजेपी ने भी उन्हें राज्यसभा नहीं भेजा। हरीश रावत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि अपने कुनबे के विधायकों को मनाने पहुंचे हुए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा से जुड़े सवाल पर हरीश रावत ने चुटिले जवाब दिए हैं और उन्होंने कहा कि विजय बहुगुणा के यहाँ आने का मतलब है कि उन्हें बीजेपी में रोजगार मिल गया है। साथ ही ये भी साफ हो गया है कि बीजेपी के अंदर बहुत जबरदस्त गड़बड़ चल रही है। गड़बड़ को लेकर भी उनका शीर्ष नेतृत्व चिंतित है और हरीश रावत ने कहा कि कांग्रेस में बहुगुणा का एक ही दर्द था, उन्हें राज्यसभा नहीं मिल रही। बीजेपी ने भी राज्यसभा नहीं दी, इसका मतलब है कि बीजेपी से निकलकर वे आप में तो नहीं जा रहे, क्योंकि कांग्रेस तो शायद उनको नहीं ले रही। वो कहां से चुनाव लड़ रहे हैं और बहुगुणा के इस सवाल पर उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव लड़ने पर उनकी चिंता है। इसका सीधा अर्थ है कि मोदी की लहर पर बहुगुणा को भरोसा नहीं रहा गया है और असंतुष्टों को मनाते हुए ही बहुगुणा के अभियान पर हरीश रावत ने कहा कि उन्होंने क्या गारंटी ली है, ये बीजेपी और उनकी बीच की बात चल रही है, लेकिन उसके लिए भी बीजेपी क्या कीमत देने जा रही है।
रुड़की में नैनीताल के प्रेमी युगल के शव बंद कमरे में पंखे से लटके हुए मिले हैं। सूचना पर पहुंची पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़कर शवों को फंदे से उतारा है और साथ ही घटना की सूचना दोनों के परिजनों को भी दे दी है। पुलिस ने शव का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेज दिया है और पुलिस को मौके से कोई सुसाइड नोट भी नहीं मिला है। वहीं पुलिस के अनुसार नैनीताल जिले के मुकेश्वर के रहने वाले 21 वर्षीय एक युवती अपनी बड़ी बहन के साथ पिछले 1.5 महीने से सिसोना गांव के किराए मकान में रह रही थी और वो एक फैक्ट्री में नौकरी भी करती थी। बुधवार को उसकी बड़ी बहन ड्यूटी पर गई हुई थी जबकि वो कमरे में अकेली थी। शाम के समय आसपास के लोगों को कमरे में अनहोनी की आशंका हुई और सूचना पर ही उन्होंने पुलिस को घटना की सूचना दे दी। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जानकारी ली। पुलिस ने आवाज लगाई लेकिन दरवाजा नहीं खुला, जिसके बाद से ही उन्होंने दरवाजा तोड़कर अंदर गए और इस पर पुलिस ने कमरे का दरवाजा तोड़ दिया था। पुलिस कमरे के अंदर गई तो युवती और एक युवक के शव चुन्नी के सहारे पंखे में लटके हुए मिले थे। पुलिस ने शवों को नीचे उतारा और घटना की सूचना युवती की बहन को भी दी। सूचना मिलते ही उसकी बहन कमरे पर पहुंची और बताया जा रहा है कि युवक और युवती के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था। युवक भी मूल रूप से ही नैनीताल जिले का रहने वाला बताया जा रहा है। वहीं SOPD भट्ट ने यह भी जानकारी सामने रख दी है कि दोनों शवों का पंचनामा कर पोस्टमार्टम के लिए रुड़की अस्पताल में ही भर्ती करवा दिया गया था और मामले की जांच की जा रही है। तहरीर आने पर ही मामले की कार्रवाई की जाएगी। बिहार का सियासी माहौल इन दिनों काफी गर्म है। वजह है कि आखिर लालू प्रसाद की गद्दी किसे मिलेगी और इस गर्म सियासी माहौल के बीच लालू प्रसाद यादव भी बिहार पहुंच चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या लालू अपने ही बेटों के बीच में झगड़ा सुलझा पाएंगे या नहीं। बिहार का सियासी संग्राम इस रिपोर्ट में समझते। बिहार की राजधानी पटना में जो कुछ हुआ उससे ऐसा लगने लगा कि तेजस्वी यादव तेज प्रताप के बीच जारी तनातनी लालू प्रसाद यादव के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकती है। राष्ट्रीय जनता दल के प्रमुख लालू प्रसाद यादव एक लंबे अरसे के बाद पटना पहुंचे थे। तमाम राजद समर्थकों समेत उनके बेटे तेज प्रताप यादव बेसब्री से इस मौके का इंतजार कर रहे थे। पटना एयरपोर्ट से लेकर सड़कों पर लालू यादव के आगमन के बैनर और होर्डिंग लगाए गए। लालू प्रसाद यादव के समर्थक लगभग 3 सालों तक बिहार की राजनीतिक जमीन से अदृश्य रहे अपने नेता की एक झलक पाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इसी संघर्ष में उनके बेटे तेज प्रताप यादव भी शामिल थे जो किसी तरह एयरपोर्ट पर अपने पिता तक पहुंचना चाह रहे थे। बकौल तेज प्रताप यादव, उन्हें अपने पिता से मिलने के लिए काफी हाथापाई करनी पड़ी। तेज प्रताप यादव चाहते थे कि उनके पिता एयरपोर्ट से सीधे उनके आवास पर आएं और उसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित राबड़ी देवी आवास पर जाए। पिता के स्वागत के लिए तेज प्रताप ने अपने आवास के गेट को भी फूलों से सजवाया था। लेकिन शाम 6 बजे पटना पहुंचने के बाद लालू यादव अपनी पत्नी राबड़ी देवी, बेटी मीसा भारती संग सीधे राबड़ी देवी के आवास पर चले गए। बताया जा रहा है कि एयरपोर्ट से राबड़ी आवास तक पहुंचे तेज प्रताप की गाड़ी को बंगले के अंदर नहीं जाने दिया गया था। लालू प्रसाद यादव के सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती 2 विधानसभा सीटों कुशेश्वर स्थान और तारापुर में हो रहे उपचुनाव में जीत हासिल करना, क्योंकि इन दोनों चुनाव में राजद की जीत प्रदेश में पार्टी और पार्टी में तेजस्वी की जगह मजबूत करेगी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस राजनीतिक संघर्ष के तार भी दोनों भाइयों के बीच जारी जंग से जुड़े हुए हैं, क्योंकि जहां एक ओर राजद की सहयोगी रही कांग्रेस ने कुशेश्वर स्थान सीट पर अशोक राम के बेटे अतरेक को टिकट देने का फैसला किया, तो वहीं तेज प्रताप यादव अपनी पार्टी उम्मीदवार के खिलाफ जाकर अतरेक का समर्थन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद पार्टी ने तेज प्रताप के खिलाफ कदम उठाते हुए राजद के स्टार प्रचारकों की सूची में से उनका नाम बाहर कर दिया। शिवानंद तिवारी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि उन्हें पार्टी से ही निकाल दिया गया। ऐसे में सवाल ये उठता है कि लालू प्रसाद यादव इस समय समस्या का हल आखिर कैसे निकालेंगे। बिहार की राजनीति को करीबी से देखने वाले वरिष्ठ पत्रकारों का मानना है कि लालू यादव के लिए चुनाव में जीत हासिल करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जनरल इलेक्शन में तेजस्वी को एक नेता के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया था। अब प्रदेश स्तर पर भी ऐसा वह करना चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि जब चुनौती तेज प्रताप यादव की ओर से ही मिल रही हो तो आखिर लालू प्रसाद यादव क्या करेंगे।
लालू यादव के लिए दिनों दिन इस समस्या का समाधान निकालना मुश्किल होता जा रहा। उनके लिए सबसे ज्यादा कष्ट देने वाली बात ये कि अगर तेज प्रताप टूटकर बीजेपी में चले जाते हैं तो ये कहा जा सकता है कि बीजेपी वाले भड़का रहे, लेकिन कांग्रेस जो राजद की पार्टनर रही है कभी, वह तेज प्रताप यादव का फायदा उठा रही। तेज प्रताप जहां कुशेश्वर स्थान में अशोक राम के बेटे के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं तो वही तारापुर सीट पर राजद के लिए चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इस एपिसोड का अंत आपको बताते चले फिलहाल के लिए नहीं होने वाला। लालू यादव के परिवार में उत्तराधिकार को लेकर जंग होना कोई नई बात नहीं थी। माना जाता है कि इससे पहले मीसा भारती भी आवाज उठा चुकी है, जिसके बाद उन्हें दिल्ली भेज दिया गया था। लेकिन दोनों भाइयों के बीच जारी विवाद की बात करें तो अब समाधान निकलना फिलहाल के लिए मुश्किल हो गया, क्योंकि तेज प्रताप पार्टी में अपने भविष्य को लेकर एक अनिश्चितता का सामना कर रहे हैं और ऐसे में पार्टी से लेकर परिवार और निजी जीवन में अकेले पड़ चुके तेज प्रताप खुलकर बयानबाजियां कर रहे हैं। लालू यादव पहले ही ये स्पष्ट कर चुके हैं कि उनके राजनीतिक उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव होंगे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि वह तेज प्रताप यादव की मांग और उनके बढ़ते हुए गुस्से का हल आखिर कैसे निकालेंगे। इस समय आपको बताते चले लालू यादव की सबसे बड़ी चिंता संभवतः तेज प्रताप यादव का सिर्फ गुस्सा ही है। तेज प्रताप के धरने पर बैठने से उनकी नाराजगी स्पष्ट हो चुकी है। राजद के प्रदेशाध्यक्ष को उन्होंने आरएसएस का एजेंट बना दिया था। राजद के एमएलसी समीर कुमार सिंह को भी संघ का एजेंट बता दिया था। यही नहीं, धरने पर बैठने के बाद ये भी बता दिया था कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, जो परसों तक अपने आप को कृष्ण बोलता था और तेजस्वी को अर्जुन बताते थे। और नाराजगी इस स्तर पर अब पहुंच चुकी है कि लालू यादव को आधी रात में तेज प्रताप के घर आना पड़ा था। और आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि टीवी पर जो फुटेज उस समय चलाई गई थी, उसे देखने से लगा था कि लालू जी शायद सो गए होंगे। लालू जी ने दो तीन बातें कही होंगी, जिसके बाद तेज प्रताप के सुर बदल गए होंगे। ऐसे में इस समय उनकी सबसे बड़ी चिंता ये कि तेज प्रताप यादव को गुस्सा किस तरह आखिर शांत किया जाए। फिलहाल आपको बताते चले कि बिहार में अभी हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है, बात राजनीतिक भविष्य को बनाने और अपने अस्तित्व को बचाने की है। ऐसे में देखना ये होगा कि किसी समय बिहार की राजनीति को नया आयाम देने वाले लालू प्रसाद यादव अपने परिवार के अंदरूनी कलह को आखिर मिटाते हुए इसका हल कैसे निकालेंगे। स्पेशल डेस्क आर्यन। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए आर्यन न्यूज।